अमदावाद में म्युनिसिपल स्कूल बोर्डे एलिस पेजनी कोर्पोरेशन संचालित शाला ने म्युनिसिपल स्कूल बोर्डे खानगी संस्था ने पधरावी देवानो निर्णय कर्यो छे। विद्या भारती गुजरात प्रदेश ट्रस्ट ने शाला संचालन सौंपवानो विरोध करवामां आव्यो छे। त्यारे अत्यार सुधी में आ शाला में 1-8 धोरण बाळको अभ्यास करता था। हवे आ शाला में 20% बाळको ने कोर्पोरेशन एडमिशन अपावी शकशे, ज्यारे बाकीना केटलाक विद्यार्थीओने धाराधोरण मुजब आरटी हेठळ एडमिशन आपवामां आवशे। वडोदरा पांदरा में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वगरना नशाकारक सीरपन वेचाण करता मेडिकल स्टोर पर वडोदरा ग्राम में एसओजी पुलिस द्वारा रेड पड़वामां आवी। जासपुर रोड पर आवेला गजानंद मेडिकल स्टोर खाते कोईपण जातना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वगर दवानु वेचाण करता कार्यवाही हाथ धरवामां आवी हती, जेमां कोडिन सीरपन 100 ml 42 नग बॉटल फूड एंड ड्रग्स विभागे कब्जे करी छे। राजकोट में सतत बीजा दिवसे त्रण जवेरीओ और एक बिल्डर ने त्यां आवकवेरा विभाग सर्च ऑपरेशन चाली रह्यु छे। राधिका ज्वेलर्स, शिल्पा ज्वेलर्स, जेपी ज्वेलर्स और वर्धमान बिल्डर ग्रुप ने त्यां तपास चालू छे। त्यारे अलग अलग 28 स्थल पर 150 अधिकारी द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। आजे पण दिवसभर आईटी विभाग तपास चलावे तेवी शक्यता छे। जवेरीओना बहोळा प्रमाणमां थयेला बेनामी व्यवहारों आईटी ने हाथे लागे तेवी संभावना छे। अमदावाद में पारडी पुलिसे पुलिस प्रजानी मित्र सूत्रों ने सार्थक ठेरवती कामगिरी करी छे। मळती विगतो अनुसार पारडी चार रस्ताना ओवरब्रिज पर हाईवे ने रेलिंग ने कोई मोटू वाहन तोड़ी फरार थई गयु हतु। पीआई बीजे सर्वैया तेमनी टीमे ज तेमने हाईवे ट्राफिक पुलिस पण त्यां पहोंची हती। रेलिंग हटावानी कामगिरी करावे ते पहेला ज वापी जता ट्रेक पर अगाउथी कोई कारणसर उभेला पिकअप टेम्पा पाछळ मोपेड चालक आवी जता धड़ाकाभेर टेम्पो पाछळ घुसी गयो हतो। मोपेड चालक इजाना कारणे घटनास्थळे ज अर्धबेभान थई गयो हतो। गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल चेयरमैन चार्ज आईएएस अधिकारी कमल दयानी ने सौंपवामां आव्यो छे। आईएएस एके राकेश पासे थी फेब्रुआरी 2022 थी गुजरात गौण सेवा पसंदगी वधारानो हवालो सौंपायो हतो। हेडक्लार्कनु पेपर लिंक थता गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल चेयरमैन असित वोराए आ पेपर कार्डना 2 महीना बाद पोताना पद पर राजीनामु आप्यु छे, तो तेमना स्थाने आईएएस एके राकेश ने चार्ज सौंपवामां आव्यो हतो। टामेटा और शाकभाजी तो मोंघा थई रह्या छे, पण आ साथे ज सींगतेलना भाव में पण सतत वधारो थई रह्यो छे। मोंघवारी वच्चे जनता ने बेवड़ो मार पड्यो छे। राजकोटनी वात करिए तो छेल्ला 3 दिवस में सींगतेलना भाव में 45 रूपियानो वधारो थयो छे। सींगतेलना डब्बानो भाव 3000 रूपया हता, जे अत्यारे 3085 पहोंची गयो छे। सौराष्ट्रमां सतत वरसाद पड़ी रह्यो होवाथी वेचवाड़ी मगफळी आवे छे, जेना कारणे सींगतेलना उत्पादन पर तेनी असर थई रही छे, जेना कारणे भाव सतत वधी रह्या छे। राज्य सरकारे खेडूतों माटे महत्वनो निर्णय कर्यो छे। गुजरातना खेडूतोना हितार्थे रूपया 45 करोड़नी जोगवाई साथे वधु एक योजना अमलमां मूकी छे। राज्यना फळपाकोनी उत्पादकता वधारवा खेडूतोने आंबा, जामफळ अने केळ पाकमां आर्थिक सहाय आपवामां आवशे। घनिष्ठ पद्धतिथी आंबा पाकनुं वावेतर करता खेडूतोने प्रतिक रकम रूपया 100 सहाय अपाशे, ज्यारे टिश्यू कल्चर उपाथी केळ पाकनुं वावेतर करता खेडूतोने प्रति रोप रूपया 5 सहाय मळशे, तो घनिष्ठ पद्धतिथी जामफळ पाकनुं वावेतर करता खेडूतोने रूपया 80 प्रति कलम सहाय मळशे। મહીસાગર જિલ્લામાં ગતરોજ વરસેલા વરસાદને પગલે નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર હજુ રણઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયા છે। વરસાદે વિરામ લીધો હોવા છતાં ખાનપુર તાલુકાના વડાગામ પાસેના હાઈવે પર હજુ પણ વરસાદી પાણી ભરાયા છે। પાણીના ઉતરતા દુકાનદારો અને ગ્રામજનોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે, ત્યારે લોકોએ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। राज्यभर में वरसाद जलाशय छलकाई रहा है, तरह जूनागढ़ माड़ियाहाटीना मा दुधाड़ा गामे आवेलो व्रजमी डेम पर 80% छलकायो। व्रजमी डेम पर आवेलो दधीची सरोवर उपरवास में पड़ाल भारे वरसाद बाद डेम में हजू पण पानी की आवक यथावत छे। सौराष्ट्रना बीजा नंबरना सौथी मोटा भादर डेम एकमां वरसादी पाणीनी आवक जोवा मळी हती। उपरवासमां थयेला सारा वरसादने कारणे वीरपुर पासे आवेला भादर 2 डेम एकमां पाणीनी सपाटी 23.50 फूट पहोंची हती। सारो वरसाद पड़ता ज राजकोट, वीरपुर, जेतपुर, खोडलधाम, अमरनगर, जूथ योजना सहितना अनेक गामों पर घेरातुं जळसंकट दूर थयुं हतुं।
उकाई डेमना उपरवास में पड़ेला भारे वरसाद ने लईने डेममां पाणीनी आवक वधी रही हती। डेममांथी केनाल मार्फते 600 क्यूसेक पाणी छोड़वामां आवी रह्युं छे। हाल डेमनी सपाटी 309.7 फूट पर पहोंची छे। उनाना गिरना जंगल में आवेला रावल डेम में भारे वरसादना पगले पाणीनुं रेवड़ जाळवा माटे 6 पैकी 4 दरवाजा 30 मीटर खोलवामां आव्या छे, जेमां पाणीनो प्रवाह 4443 क्यूसेक छे। तेमज उना तथा गिरगढ़ा तालुकाना नीचाणवाळा गामोने वहीवटी तंत्र द्वारा एलर्ट करी देवामां आव्या हता। अमरेलीना वडियामां रोगचाळाए माथो उचक्यो छे। वडिया सिविल होस्पिटलमां ऋतुजन्य रोगचाळाने लईने दर्दीओनी संख्या वधी छे। रोजबरोजथी ओपीडी केसमां पण वधारो थई रह्यो छे। शरदी उधरस अने झाड़ा उल्टी सहितना दर्दीओ वध्या छे, तो वडिया सिविलमां 200 ऊपरनी ओपीडी नोंधाई छे। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन खाते कांग्रेसे भारे विरोध प्रदर्शन कर्युं हतुं। प्रीमॉन्सून कामगीरी सामे सही झुंबेश शुरू करी हती। कांग्रेसना कार्यक्रमने लईने पोलीसनी मंजूरी आपवामां आवी न हती, जेथी पोलीसे अने कांग्रेसना कार्यकरो वच्चे चकमक जारी हती। पोलीस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओनी अटकायत करवामां आवी हती। दाहोद जिला कांग्रेस महिला मोर्चा समिति द्वारा पाणीना प्रश्नने लईने नगरपालिका खाते विरोध नोंधावी रजूआत करवामां आवी हती। दाहोद नगरपालिका खाते माटलाफोड़ी महिला मोर्चा समितिए पोतानो विरोध नोंधाव्यो हतो। शहेरमां समयसर अने शुद्ध पाणी मळे तेवी रजूआत करवामां आवी हती। सुरेन्द्रनगर जिलामां यूरिया खातरनी अछत सर्जाई हती। खातर सामे ज खेडूतो रजड़पाट करता जोवा मळ्या हता। सुरेन्द्रनगर वढवाण मार्केटिंग यार्डमां यूरिया खातर लेवा खेडूतोए पड़ापड़ी करी हती। यूरिया खातर लेवा माटे खेडूतोनी लांबी लाइनो लागी हती, तो खातर डेपोमां यूरिया खातर पूरता प्रमाणमां फाळवामां न आवता खातरनी अछत सर्जाई हती। राइट टू एज्युकेशन एडमिशन हेठळ सरकारे महत्वनो निर्णय लीधो छे। खोटा एडमिशन हासिल करनारा वालीओ सामे शिक्षण विभाग पगला लेशे। खोटी रीते राइट टू एज्युकेशन हेठळ लीधेला एडमिशननी तपास करवामां आवशे। खोटी आवक दर्शावीने गैरकायदे एडमिशन लेनारा लोकोनुं एडमिशन रद्द थशे। बनासकांठाना डीसामां ज्वेलर्स मालिकने लूंटवानो कावतरू रचवाना गुनामां वधु एक आरोपीनी अटकायत करवामां आवी। पालनपुरना एक ज्वेलर्स मालिकने लूंटवानो कावतरू रचना टोळकी डीसामांथी झड़पाई हती। जो कि लूंट पहला ज 5 शख्सोनी अटकायत करवामां आवी हती, जे केसमां डीसा शहर उत्तर पोलीसे वधु एक आरोपीनी अटकायत करीने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। जूनागढ़ वंथली में कन्या विद्यालय की स्कूल की छत धराशायी थी, जेमा 4 विद्यार्थी नाम माथा भागे तेमज अन्य नानी मोटी इजाओ थी, जेमने सारवार अर्थे वंथली सिविल होस्पिटल खसेड़वामां आवी छे। वंथली कन्या विद्यालय की नड़िया की छत हती, ते सरमियान धराशायी थी हती, जेमा विद्यार्थियों ने इजाग्रस्त थया हता। पोरबंदर कोर्ट में वकील और महिला कोस्टगार्ड अधिकारी वच्चे मारामारी की घटना बनी हती। पति पत्नी छूटाछेड़ा केस मामले कोर्टे मुद्दत दरमियान पति वकीले महिला अधिकारी ने कोर्ट में सवालों करता मामलो वधारे गरम बन्यो हतो। जे दरमियान वकील और महिला कोस्टगार्ड अधिकारी वच्चे मारामारी थता कोस्टगार्ड महिला ने सामान्य इजा थता होस्पिटल सारवार हेठळ खसेड़वामां आवी हती। पूर्व कच्छ अंजार में दादागिरी केस में सतत वधारो थयो छे। अंजार में सरकारी बैंक पासबुक में एंट्री न करी आपता तोड़फोड़ करता सीसीटीवी वीडियो सामे आव्या छे। तोड़फोड़ करता बैंक में आवेला तमाम लोगों में भय फैलायो हतो, जो कि हजु सुधी तोड़फोड़ अंगे कोई फरियाद दाखल करवामां आवी नथी। वडोदरामां माताए बे पुत्रोनी हत्या कर्या बाद आपघातनो प्रयास करता चकचार मची जवा पामी छे। कारेलीबाग खाते आवेली अक्षता सोसायटीना 2066 घर नंबर में प्रथम माड़ी जा घटना बनी छे, जेमां माताए बाळकीने झेर आपीने हत्या कर्या बाद तेनी माताए गळे फांसो खाईने आपघात करवानो प्रयास कर्यो हतो। कारेलीबाग पोलीसे घटनास्थळे पहोंचीने वधु तपास हाथ धरी छे। वलसाड जिला कपराड़ा तालुका में नासिक थी वलसाड जती एसटी बस ने अकस्मात नड़ो हतो। ढाल उतरता ज बस की ब्रेक फेल थता बस डिवाइडर साथ अथड़ाई हती। डिवाइडर पर बस चढ़ी जता मोटी दुर्घटना टड़ी हती। कोई इजा के जानहानि थई न हती, परंतु घटनाना पगले बस में सवार मुसाफरों जीव पड़ी के बंधाया हता।
नड़ियाद नजीकना अमदावाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर अकस्मात की घटना बनी थी, ज्यां कार और एसटी बस वच्चे गंभीर अकस्मात सर्जायो हतो। अकस्मात एटलो भयंकर हतो के कार नु पड़ीकू वळी गयु हतु, ज्यारे एसटी बस डिवाइडर तोड़ी ने हाईवे नी नीचे उतरी गई हती। कार ना कांच पासे ज एमएलए गुजरात लखेली प्लेट पण मळी आवी छे। तळाजा तालुकाना पिगड़ी गामे डबल मर्डर केसनी घटना सामे आवी छे। पिगड़ी गाम में रहता शिवाभाई राठौड़ और वसंतबेन राठौड़ की हत्या थता चकचार मची जवा पामी छे। पुलिस नो काफलो घटनास्थले पहुंची हत्या अंगे तपास नो धमधमाट शुरू कर्यो छे। प्राप्त विगत अनुसार शिवाभाई ने त्रण दीकरा छे, जे पोताना काम अर्थे अलग अलग शहरों में स्थायी छे। राजकोट अमदावाद हाईवे पर अकस्मात में एक 25 वर्षीय युवक नु मौत निपजू हतु। गुंदा गामना पाटिया पासे मोटरसाइकल अने छकड़ो रिक्शा वच्चे अकस्मात सर्जायो हतो। आ अकस्मात में मोटरसाइकल सवार प्रकाश भाई नामनो युवान मौत ने भेट्यो हतो। अमदावादना बगोदरा धंधुका हाईवे पर पिकअप वान पलटी खाता अकस्मात सर्जायो हतो, जेमां वाहन चालक इजाग्रस्त हता 108 मार्फते होस्पिटल खसेड्यो हतो। जो कि पिकअप वानमांथी आयुर्वेदिक बोटलो मळी आवी हती। बगोदरा पोलीसे पिकअप वान साथे समग्र मुद्दामाल पण कब्जे कर्यो हतो। भावनगर पोलीसे शहर में वधु एक वक्त शंकास्पद हर्बल टोनिक 120 पेटी नो मुद्दामाल झड़पी पाड्यो छे। शहर ना नवापरा विस्तार में आवेली कावेरी कोर्पोरेशन माथी पोलीसे 7,80,000 ना मुद्दामाल साथे रमीज नामना शख्स ने झड़प्यो छे। गीरगढ़ा में व्यापारी अग्रणी युवान अने माता पर दीपड़ाए घातक हुमलो कर्यो हतो। दीपड़ो अचानक गाम में घुसी जता लोगों में अफरातफरी मची हती, जेमां दीपड़ाए त्रण लोगों ने गंभीर इजाग्रस्त कर्या हता। समग्र घटना बाद ग्रामजनों युवान अने माता ने होस्पिटल खसेड़्या हता। देशभर में घणा राज्यों में सतत भारे वरसाद ने कारण पूरना कारण तबाही चालू छे। पंजाब और हिमाचल बाद हवे दिल्ली में पण पूरनो खतरो मंडाई रह्यो छे। दिल्ली में यमुना नु जलस्तर 207 मीटर ने वटावी गयु छे। सवारे 5 वाग्या सुधी में 207.8 मीटर पहुंची गयु हतु। तो हांडीकूड बेरेज माथी वधु पाणी छोड़वामां आवता पाणीनी सपाटी वधी छे। तो आ साथे यमुना किनारे आवेला विस्तारों में पण पूरनी चपेट में छे। हिमाचल प्रदेश में रोड नेशनल हाईवे सहित अन्य माळखागीय सुविधाओं ने भारे नुकसान थयु छे, त्यारे प्रदेश मुख्यमंत्री स्थिति ताग मेळववा माटे मनाली विधानसभा मतविस्तार की मुलाकात लीधी हती। आ विषय बात करता राज्यना महसूल मंत्री जणाव्यु हतु कि मनाली में वृक्षों पड़ी जवाने कारणे मार्गों क्षतिग्रस्त थवाने कारणे माळखागीय सुविधाओं घणु नुकसान थयु छे। अटवायेला प्रवासीओ माटे भोजन व्यवस्था करवामां आवी छे। हिमाचल प्रदेश में भारे वरसाद और पूरनी स्थिति कारण माळखागीय सुविधाओं ने घणु नुकसान पहुंचू छे। प्रदेश की मुलाकात लेनार केटलाक पर्यटकों खराब हवामान ने कारण अटवाया छे। तो आ विषय बात करता जणाव्यु कि अमे घरे जवा मांगीए छीए और वहीवटी तंत्र अमे घरे जवा माटे सुविधा उपलब्ध करावी आपे। घणा लोको एक सप्ताह थी खराब हवामान कारण प्रदेश में अटवाया छे। दिल्ली हज कमेटी ना वड़ा कौसर जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर हज थी परत फरती महिलाओं नु स्वागत करे छे। आ वर्षे 4,314 भारतीय मुस्लिम महिलाओं मेहराम वगर हज यात्रा में भाग लीधो हतो। दिल्ली हज समिति ना वड़ाए कहु हतु कि आनंदनी वात ए छे कि आ वक्ते आंकड़ो रेकॉर्ड ब्रेक छे। 4,314 मुस्लिम महिलाओं हज कर्या बाद मेहरम वगर परत फरी छे। 2018 मां ज्यारे मेहरमनी फरज हटावी लेवामां आवी हती। मंगलवारे गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक योजाई थी, जेमां सिनेमा हॉल में मळता खाद्य पदार्थों और पीणा पर 18% जीएसटी घटाड़ी 5% करवा सम्मति आपी हती। ते सिवाय विशेष दवाओं पर पण जीएसटी की छूट आपवा माटे मंजूरी आपी हती। जीएसटी काउंसिले कैंसर की दवाओं पर आईजीएसटी हटावानी मंजूरी आपी दीधी हती। तो ऑनलाइन गेमिंग हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी ना दरो वधारवानु नक्की कर्यु छे। ऑनलाइन गेमिंग पर हवे 18% ने बदले 28% जीएसटी लागशे। कर्नाटकना बेंगलुरु में त्रण शख्सोए एक टामेटा भरेली एक ट्रक लई फरार थया होवानी घटना चर्चास्पद बनी छे। आरोपीए जो ट्रक लईने फरार थया हता तेमां 8 टन जेटला टामेटा हता। देशना अनेक विस्तारों में हाल टामेटाना 1 किलोना भाव 100 रूपया तो केटलाक विस्तारों में 200 रूपया पर लगाया छे। जो कि पोलीसे टामेटा चोरी अंगे पोलीसे फरियाद दाखल करी कार्यवाही शुरू करी छे। चित्रदुर्ग जिल्लाना हिरीयूरना रहेवासी खेडूत मल्लेश शनिवारे ट्रक भरीने टामेटा कोलार जता हता। ते दरमियान ट्रक अचानक एक कार साथे अथड़ाई हती। कार सवार लोको टामेटानो ट्रक लई फरार थई गया हता।
विपक्षी दलों की बीजी बैठक 17 और 18 जुलाई बेंगलुरु में योजाशे। समाचार एजेंसी एएनआई सूत्रों हवाला आ समाचार आप रिपोर्ट अनुसार आ बैठक में 24 पार्टी भाग ले। सोनिया गांधी हाजर रहते। उल्लेखनीय है कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक पटना में थी। हवे एवो दावो करवामां आव्यो छे कि बेंगलुरु की बैठक में केटलाक नवा पक्षों भाग लेशे। दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक सभा में अजीत डोभाले संबोधन कर्यु हतु, जेमां तेमणे भारत में विश्व सौथी मोटू लोकतंत्र होवानु जणाव्यु हतु। तेओए वधुमां कह्यु छे कि आजना भारत की इमारत समान तकोना सिद्धांतों पर बनेली छे। भारत में जुदी जुदी संस्कृतिओ भाषाओ अने धर्मोनु मिश्रण छे। भारत में कोई धर्म ने खतरो नथी। भारत में प्रथम वक्त 5 दिवस की मुलाकाते आवेला मुस्लिम वर्ल्ड लीगना सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अल इसाए पण आ सभा में संबोधन कर्यु हतु। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसादे पश्चिम बंगाल पंचायत चूंटी दरमियान थे हिंसा और घर्षण की घटना विषे बात करता जणाव्यु कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए संसद सभ्यों की एक टीम नियुक्त करी छे, जेनो हूं कन्वीनर छू। अमे बंगाल में ज्यां हिंसा थई हती ए विस्तारों की मुलाकात लईशू और त्यां अत्याचारनो भोग बननार लोकोने पण मळीशू। ग्राम पंचायत की चूंटी में 40 लोकोए पोतानो जीव गुमाववानो वारो आव्यो छे। त्यारे विपक्ष पर आक्र प्रहार करता तेमणे कह्युं छे कि मोदी सरकार सामे गठबंधननो प्रयास करनार लोको केम मौन छे। अमेरिकाना सान फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हुमला विषे बात करता अमेरिकी संसदना सभ्य श्री थानेदारे जणाव्युं हतुं कि आ प्रकारना हुमला अस्वीकार्य छे। अमेरिकाए आ प्रकारना हुमलानी टीका करवी जोईए अने लोकतांत्रिक संस्थाओना रक्षण माटे योग्य पगला लेवा जोईए। अमे वाणी अने अभिव्यक्तिनी स्वतंत्रता मानीए छीए। तमाम समूहने पोतानी वात रजू करवानो अधिकार छे, परंतु दूतावास पर आ हुमला हिंसा अने त्यांना कर्मचारीओनी धमकी आपवानी आ बाबतो अस्वीकार्य छे। एलोन मस्कनी मालिकीनी सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटरनो सीधो पड़कार आपवा मार्क झुकरबर्गनी कंपनी मेटाए नवी एप थ्रेड्स रजू करी छे, जेने जबरदस्त सफलता प्राप्त थई छे। मेटाना सीईओ मार्क झुकरबर्गे थ्रेड्स पर जाहरात करी हती के 5 दिवस में कोई प्रमोशन कर्या वगर ज थ्रेड्सना वपराशकारोनी संख्या 10 करोड़नो आंक वटावी गई छे। 6 जुलाईए मेटाए थ्रेड्सनी जाहरात करता ज जंगलनी आगनी जेम लोको थ्रेड्स पर आवी गया हता। एप्लिकेशन लॉन्च थयाना थोड़ा ज कलाकोमां लाखो लोकोए डाउनलोड करी हती। समग्र देश में वरसाद पड़ रहा है त्यारे हवामान विभाग द्वारा उत्तराखंड हिमाचल और पंजाब में रेड एलर्ट की जाहरात कर। उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बंस सक्रिय थता भारे वरसाद की आगाही कर, राजधानी दिल्ली में हलवा वरसाद की आगाही कर। हवामान विभाग तरफ जारी करहिती प्रमाण हिमाचल प्रदेश बाद उत्तराखंड में भारे वरसाद पड़ सके। प्रदेश में 12 जुलाई सुधीना समयगाड़ा में भारे वरसाद की स्थिति ने ध्यान में रखता ऑरेंज एलर्ट जाहिर कर। आ स्थिति कारण नीचाणवाड़ा विस्तारों में पा भराई सके, नदियों जलस्तर में वारो सके। आ साथ ज प्रदेश पहाड़ी विस्तारों में भूस्खलन की शक्यता नकारी शक नहीं। उत्तर भारत ना अनेक राज्यों में भारे वरसाद ना पगले जानमाल नुकसान थयु छे। मीडिया रिपोर्ट प्रमाण हिमाचल प्रदेश में 29 जून बाद वरसाद अने पूर संबंधित घटनाओं ना कारणे कुल 72 लोगों ना मौत थया छे, जारे उत्तर प्रदेश में वरसाद अने वीजळी पड़वाना कारणे कुल 34 लोगों पोताना जीव गुमाव्यो छे। हिमाचल प्रदेश ना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खूए जणाव्यु हतु के राज्य में चोमासानी सीजन दरमियान लगभग 3000 करोड़ रूपियानुं आर्थिक नुकसान थयु छे। हिमाचल प्रदेश में भारी वरसाद और पूर की स्थिति कारण घणु नुकसान थयु छे, त्यारे स्थिति ताग मेळववा प्रदेश महसूल मंत्री जगत सिंह नेगीए पूरग्रस्त क्षेत्रों की मुलाकात लीधी थी। आ विषय बात करता जणाव्युं हतुं कि मंडी में ब्यास नदी किनारे आवेला मंदिर पासे घणु नुकसान थयु छे। हिमाचल प्रदेश में भारी वरसाद ने पगले ज जिलाना थयेला नुकसान विषे माहिती मेळववा माटे प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खूए असरग्रस्त क्षेत्रों की हवाई निरीक्षण कर्यु हतु। हिमाचल प्रदेश में पूर स्थिति कारण 3000 करोड़ रूपया नुकसान थयु छे। आ साथ ज 29 जून बाद प्रदेश में पूर और वरसाद संबंधित घटनाओं कारण कुल 72 लोगों मौत थया छे। हिमाचल प्रदेश में सौथी वधु वरसाद पड़ो होवाथी मृत्युआंक वधीने 72 थयो छे। उत्तर प्रदेश में वरसादी घटनाओं में छेल्ला 3 दिवस में 34 लोगों मौत थया छे, तो दिल्ली में यमुनानुं पाणी भयजनक सपाटीए पहोंच्युं हतुं, तेना कारणे पाटनगर में फफड़ाट फैलाई गयो छे। नीचाणवाड़ा विस्तारों में लोगों ने सलामत स्थले खसेड़वानुं शुरू करायुं हतुं।
जो नदी में वधारे पाणी आवे तो 50,000 लोग असरग्रस्त थाय तेवी शक्यता छे। दिल्ली में यमुना नदीए 206 मीटर की भयजनक सपाटी वटावी है, तेरे यमुना बजार विस्तार में पूरना पानी फरी वड़ा था। लोकोना घरों में पानी घुसी जवाना कारणे तेमने भारे हालाकी सामनो करवो पड़ो हतो। दिल्ली ना एलजी वीके सक्सेनाए असरग्रस्त विस्तार की मुलाकात लीधी थी। आ विषे बातचीत करता तेमने जणाव्युं हतुं कि गटर लाइन की साफ सफाई करवामां आवती नथी। यमुना नदी में डिस्लेटिंग नियमित रीते थवी जोईए। आ प्रवृत्तिओना अभावना कारणे आवी स्थिति सर्जाई छे। उत्तर भारत में भारी वरसाद और हरियाणा में सरकार तरफ थी हंजनी कूंज बेरेज में छोड़वामां आवेला पाणीना कारणे यमुना नदीना जलस्तरे भयजनक सपाटी वटावी छे। त्यारे दिल्लीना यमुनानगर विस्तार में नदीना किनारे आवेलो एक मकान धराशायी थई गयो हतो। आ घटनानो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो हतो। दिल्ली में वरसाद ने लईने जारी करवामां आवेला ऑरेंज एलर्ट वच्चे यमुना नदीए भयजनक सपाटी वटावी छे। आ स्थितिना कारणे नदी पासेना नीचाणवाळा विस्तारमां रहेता लोकोने पलायन करवानुं शुरू कर्युं हतुं। यमुना नदी पासे आवेला खादर क्षेत्रना लोको मार्गो पर झूपड़ा बांधी रहेवा मजबूर बन्या हता। तो मयूर विहार एक्सटेन्शन विस्तार पासे लोको मार्गो पर रहेवा मजबूर बन्या हता। आ स्थितिने ध्यानमां राखीने वहीवटीतंत्रे नदी पासे नीचाणवाळा विस्तारोमां रहेता लोकोने अन्य स्थळोए स्थळांतर करवानी सूचना आपी हती। उत्तराखंडना हरिद्वार में भारी वरसाद कारण नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भरा था। गंगा नदी भयजनक सपाटी थी मात्र 20 सेंटीमीटर नीचे वही रही है। तो गंगा नदी वत्ता जलस्तर कारण जिला वहीवटी तंत्र ने नदी किनारे रहता लोकोने अन्य स्थल पर स्थलांतर करने की सलाह अपी थी। भारी वरसाद कारण हाईवे पर पानी भराया था तो गंगा नदी किनारे आवेला खेतरो में पूरना पानी घुसी गया था और तेना कारण खेतरो में पाक ने पण नुकसान थवानी भीति छे। कुस्तीबाजू और ब्रिजभूषण मामला में नव वणाक आयो छे। ब्रिजभूषण विरुद्ध दाखिल करवामां आवेली चार्जशीट में 16-17 लोगों ने निवेदनों आप्या छे अने आरोपों साचा होवानुं जणाव्युं छे। चार्जशीट में 6 पीड़ित कुस्तीबाजूना निवेदनों लेवाया छे अने तेमना परिवारना सभ्यों ने पण साक्षी बनावामां आव्या छे। कुल मळीने 5 साक्षीओ एवा छे कि जे परिवारना सभ्यो छे। दिल्ली पोलीसे तेनी चार्जशीट में कह्युं छे कि ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न छेड़ती अने पीछो करवाना गुना माटे केस चाली सके छे अने सजा पण थई सके छे।